जितने भी डेलीगेट आते हैं आप देखा होगा शानदार उनके स्टॉल लगे हुए हैं, उनके आप पर एक्सचेंज हो रहे हैं, यूज़ भी उनके बिजनेस भी हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो प्रयोग 22 साल पहले किया गया था जब मैं मुख्यमंत्री था तब शुरू हुआ, आज मुझे खुशी है कि वो दो बार कोरोना के अंदर कोविड के अंदर नहीं हो पाए थे, वन हर बार दो साल के अंदर एक बार ये इवेंट होती है और इससे इन्वेस्टमेंट भी आएगा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। अभी भी दक्षिण के कई लोग शिफ्ट हो रहे हैं, राजस्थान में शिफ्ट हो रहे हैं, चाइना का जो मार्केट डैमेज हुआ उसके कारण भी वर्ल्ड ओवर राजस्थान को ही नहीं बल्कि पूरे देश को फ़ायदा मिल रहा है। एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो उसको भरपाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ेगी, ये सेक्टर और बढ़ेगा। राजस्थान में मार्बल्स है या ग्रेनाइट है, क्वार्टज है, सभी में बहुत ज़्यादा स्कोप है। नंबर तीन जो रोज़गार मिल रहा है, करीब 10 लाख लोगों के फिगर रोज़गार के हैं, ये ऐसी संभावना छिपी हुई इसके अंदर, इस सेक्टर के अंदर, जितना चाहो आप रोज़गार बढ़ा सकते हो, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता महंगाई और रोज़गार दो बड़े मुद्दे देश के अंदर हैं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका ये सेक्टर निभा सकता है। तो हम लोग भी एमएनएसटी स्कीम भी लाते हैं, इनको रिप्स के अंतर्गत कस्टमाइज पैकेज भी देते हैं, सब तरीके से कैसे प्रमोट कर सकते हैं, पहले भी किया है अब भी कर रहे हैं। माइनिंग पॉलिसी बन गई है, हमारी टूरिज्म पॉलिसी जो बनी है वो तो आप देख रहे हो कि टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, होटलियर सब खुश हैं। ये खुशी जो है खाली सीमित राजस्थान तक नहीं है, पूरे देश के अंदर ये खुशियाँ बांटी जा रही है। जहाँ मैं जा रहा हूँ उनको मालूम है, गुजरात वालों को, हिमाचल वालों को, कि राजस्थान सरकार ने कितना बड़ा कदम उठाया है कि टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है और क्या क्या छूट मिलेगी अब उनको। एमएसएमई का हमने पहले हाथी एक्ट बना दिया, 5 साल तक कोई परमिशन की जरूरत नहीं गवर्नमेंट से। ये तमाम जो फैसले हैं ये मैं समझता हूँ राजस्थान में जो लॉ ऑर्डर की स्थिति अच्छी है, यहाँ के लोगों का व्यवहार जो है वो बहुत शानदार है। यहाँ पर यहाँ बिजली भी है, पानी भी है, कोई कमी नहीं है। और आज रिको जो है करीब 450 के लगभग SDO हेडक्वार्टर के आस पास या हेडक्वार्टर पर उपखंड स्तर पर रिको के केंद्र खुल रहे हैं, औद्योगिक इकाइयाँ खुल रही है। तो आप सोच सकते हो कि क्षेत्र वहाँ डेवलप होंगे तो छोटे मोटे उद्योग वहाँ लग जाएंगे, जो MSME का एक्ट बनाया हमने उनका पूरा लाभ वहाँ मिलेगा। तो इस प्रकार टोटलिटी के अंदर राजस्थान आज बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है। कोविड में जो मार पड़ी थी उससे अब ये उद्योग निकल चुके हैं, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी थी पिछले बजट में हमने घोषणा करी है, एमनेस्टी स्कीम लाए उद्योगों के लिए, कई तरह छूट दी हर सेक्टर को, उसके कारण से अब अपने पैर पर खड़े हो गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे रेवेन्यू भी आएगी सरकार को और साथ में रोज़गार मिलेगा, बहुत बड़ी बात है। शिलो किस चीज़ के बारे में मैंने कहा है, वो ऐसी बीमारी है कि आदमी बच नहीं पाता बाद में, शिलो किसी बीमारी हो ही नहीं किसी को, ये सुनिश्चित करने का काम मजदूर खुद भी चिंता करें और जो मालिक हैं इंडस्ट्री के उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ध्यान रखे कि मेरे वहाँ पर जो इकाई लगी हुई है, फैक्ट्री है, या वहाँ पर जो माइनिंग हो रही है, माइनिंग के अंदर तमाम उपकरण मिले उन लोगों को, तमाम सुविधाएं मिले जो प्रिस्क्राइब की हुई है, उसके बगैर काम नहीं करने दें उनको। पाबंद वो भी करें, मालिक भी पाबंद करें, उनके जो CEO होते हैं, उनके जो मैनेजर होते हैं, वो पाबंद करें कि कोई मजदूर उसके बगैर इक्विपमेंट के वो काम नहीं करेगा, तब जाके बीमार नहीं पड़ेगा। मजदूर समझता नहीं बेचारा, बीमारी लग जाती है, पहले तो TB की बीमारी का इलाज होता था, इसका बीमारी है चलो किस चीज़ की, अब जाके मालूम पड़ा हम लोग मरने वालों को 3 लाख दे दे, 5 लाख दे दे, क्या मतलब है उससे। सवाल ये कि आदमी मरे क्यों, बीमारी पड़े क्यों, उसके लिए मैंने अभी आह्वान किया है कि आप सब मिलकर ध्यान रखें, संवेदनशीलता रखें, और कोई भी फैक्ट्री में कोई माइनिंग की इकाई बिना उनके प्रिकॉशन के काम नहीं करें वहाँ पर, ठीक है। गुजरात और हिमाचल कैसा माहौल है? माहौल अच्छा है, हिमाचल में कांग्रेस जीत रही है चुनाव एक तरफा, और गुजरात में अच्छा माहौल है, वहाँ भी सरकार के विरोध में बहुत भयंकर लहर है, कैंपेन ठीक चल रहा हमारा, अभी 5 यात्रा निकली थी, 5वीं यात्रा में जो जनता का रिस्पॉन्स मिला वहाँ पर, उससे इंडिकेशन मिलता है कि लोगों में भावना है कि सरकार ने जो 5 साल तक कोरोना के अंदर बर्बाद कर दिया लोगों को, वहाँ पर बेरोजगारी बहुत भयंकर वहाँ पर है, अभी नकली शराब से 70 लोग मारे गए वहाँ पर,
अभी मोरवी के अंदर जो हादसा हुआ है ब्रिज का, कोई इंक्वायरी नहीं करवा रहे, वो लोग जिद्दी आदमी हैं, जिद्दी मुख्यमंत्री, जिद्दी उनके नेता हैं कि आप कोई हाईकोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज से कमीशन बैठा के जाँच करने में क्या तकलीफ हो सकती है। कम से कम आगे के लिए तो लोगों को भय रहे कि भाई हाईकोर्ट के जज की कमीशन बनी है, रिपोर्ट दी है, सजा मिल रही लोगों को, लोग जेल जा रहे हैं, आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो, यही तो होता है कमीशन के अंदर, वो भी नहीं कर रहे हैं, वो लोग अजीब लोग हैं वहाँ पे भी। तो हमने दबाव बना रखा है कि आपको कमीशन बैठाना चाहिए, और ये परंपरा आपके राज्य में ऐसी बना रखी है, हमारे यहाँ कभी नहीं बन जाते हैं, वहाँ नहीं बनते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी घटना वहाँ हो रही है, उसका भी असर वहाँ पर। बजट तैयारियाँ शुरू कर दी है यूथ पर काफ़ी। आज शाम को हमारी जो एक्टिविस्ट है, एनजीओ हैं, उनके साथ मीटिंग रखी हुई है और उनके सुझाव लेना शुरू कर रहे हैं, फिर बाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लेंगे, फिर बाकी जो अलग अलग तबके हैं उनके लेंगे। यूथ और छात्रों के लिए मैंने कहा अगले बजट में हम लोग विशेष चाहेंगे फोकस दें, उसका हमने आह्वान किया है कि जो सुझाव देना चाहते हैं पब्लिक से भी आए, यूथ से भी आए। पिछली बार भी पब्लिक से सुझाव मांगे थे, करीब 44,000 सुझाव आए थे उस वक्त में भी। तो मैं समझता हूँ कि इस बार युवाओं को हम चाहते हैं कि उनके और दिल में क्या भावना है और क्या सुझाव है। आजकल तो युवाओं में प्रतिभाएं बहुत ज़्यादा है, मोबाइल है, इंटरनेट की सेवाएँ हैं, नॉलेज पावर का जो थीम है देश दुनिया के अंदर, युवा भी आजकल सब देखते हैं गूगल वगैरह, हो सकता है वो ऐसे सुझाव दें, उससे हमें लाभ मिलेगा और हम उनको समावित कर सकते हैं अपने बजट के अंदर। ये इस प्रकार की सोच के साथ हम चल रहे हैं। बजट का थोड़ा जल्दी पेश होगा, वो तो अभी तारीख तय हुई नहीं है, मालूम पड़ जाएगा आपको। उपचुनाव भी है और राहुल गांधी भी आ रहे हैं सर, यहाँ उपचुनाव भी होना है, राहुल गांधी भी। राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत कर दी है, कल रात को हमने जब कैबिनेट मीटिंग करी है तो उसमें डिस्कशन कर लिया है, तमाम मंत्री लोग भी जाएंगे, और अभी जो रूट बना है उसमें जो हमारे MLA हैं, मंत्री हैं, वो भी अभी देखी भी करेंगे अपने हिसाब से। बाद में हम लोग सब जिम्मेवारी बांटेंगे अपर के अंदर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं चाहे वो मंत्री हैं, सब मिलके पूरा रूट बनाएंगे। बहुत शानदार तरीके से यात्राएँ होगी संपन्न, और बहुत शानदार राहुल गांधी जी की थीम जो है महंगाई की है, बेरोजगारी की है, और साथ में देश में शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत रहे, झगड़े नहीं हो, और आज के हालात में जो तनाव है, जो हिंसा हो रही है, असहमति कोई व्यक्त कर नहीं सकता देश के अंदर, आलोचना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई कर नहीं सकता, करो तो आप जेल जाओ, आप देशद्रोही हो, ये पहली बार आज़ादी के बाद में ये माहौल बनाया है, बहुत खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। इसके लिए लड़ाई हमारी जारी रहेगी। राहुल गांधी जी ने कारवा चला दिया है, लाखों लोग आ रहे हैं वहाँ पर, उससे भी बीजेपी वाले विचलित हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं, इसलिए आनंद फानंद के आरोप लगाते रहते हैं, हमें उनकी कोई चिंता नहीं है, हमारा कारवा चल पड़ा है। उसको जो थीम है देश के हर भाग के अंदर, यात्रा का तो एक रूट है, कुछ राज्य आएंगे उसके अंदर, पर पूरे देश के हर राज्य में, हर गांव में, हर घर के अंदर ये मैसेज है कि राहुल गांधी जी की यात्रा किस काम के लिए, महंगाई के लिए लोगों का इश्यू है, बेरोजगारी के लिए वो लोगों का इश्यू है, शांति रहनी चाहिए सब परिवार चाहते हैं, तीनों इश्यू जो हैं वो देश की जनता के इश्यू हैं, उसको राहुल जी ने उठा के चल पड़े और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।